हेलो, जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है, यदि प्रकाश की आय नवीन से 50% अधिक है तो नवीन की आय प्रकाश की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्या दे रखा है? प्रकाश की आय नवीन से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत? 50%। यानी नवीन की अगर 100 है तो प्रकाश की कितनी आय है? 150। अब कह रहा नवीन की आय प्रकाश की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितने प्रतिशत कम? 50 कम है। कितने पर? 150 पर इंटू 100, तो 50 से 3 बार, तो कितनी बार आ जाएगा? 33 सहित 1/3% कम है नवीन की आय प्रकाश की आय से। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? यानी अब दे रखा है ए और बी, ए की आय बी से, यानी अगर बी की 100 माने तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 125। सवाल में आगे दे रखा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितने प्रतिशत कम है ये निकलवा रहा है। यानी कितने कम है? 25 कम है। कितने पर कम है? 125 पर इंटू 100। 25 से कितने बार कटेगा? 5 बार, और 5 से 20 बार, यानी कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है बी की आय ए से। इसमें क्या दे रखा है? एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 है तो विद्यार्थी की कुल संख्या ज्ञात करनी है। अब परसेंट दे रखा है लड़कों का और टोटल संख्या दे रखी है लड़कियों की। अब देखते हैं, यदि विद्यालय में 100% विद्यार्थी है, इनमें से बॉयज कितने दे रखे हैं? 72%। तो गर्ल कितनी हो जाएगी? 28%। और 28% का मान कितना दे रखा है? 336। यानी 336 दे रखा है 28% का। तो अपन को कुल संख्या निकालनी है, 100 का मान निकालना है। अब ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा 4 बार, और 7 से कितनी बार कटेगा? ये 48 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। यानी टोटल संख्या क्या आ जाएगी? 1200। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 1200 होगी। अगला, एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं और 98,000 पुरुष हैं। उस कस्बे की जनसंख्या क्या है? महिलाओं की संख्या दे रखी है 51% और 980 किसके दे रखे? पुरुषों की। यानी 51% महिलाएं हैं 100 में से, तो कितनी पुरुष होंगे? 49%। यानी 980 किसका मान दे रखा है? 49% का मान दे रखा है। निकलवा कह रहा है कुल जनसंख्या कितनी होती है? 100%। ये कितने बार कट जाएगा? 49 से 2 बार, यानी कुल जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 2000। परसेंट दे रखा है महिला को और टोटल संख्या दे रखे पुरुषों की, इसलिए 51% महिला है तो 49% पुरुष होंगे। ए की आय बी से 50% कम हो, 20% कम हो, तो बी की आय से कितने प्रतिशत? तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? यहाँ उल्टा दे रखा है, यहाँ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम या अधिक नहीं बोल रखा है। देखना कैसे करेंगे, ए की आय और बी की आय, ए की आय बी से 20% कम है। यदि बी की आय 100 माने तो ए की आय कितनी होगी? 20% कम 80। अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें ये नहीं दे रखा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें दे रखा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, यानी बी की आय 100, ए की आय 80 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, ये कितनी बार कटेगा? इससे ये 4 बार, 5 बार, 2 से काटेंगे जब, और 4 से 25 बार, यानी 125% अधिक है।